नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। लास्ट वीक हम लोग का जो पैनल था, सेम पैनल आज भी है। गीतांजलि जी नमस्कार, डॉक्टर गोयल अंकल जी नमस्कार, डॉक्टर नीरन गौतम नमस्कार। आज हम लोग ना थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करेंगे। हमने पिछले बार तो काशी के बारे में बात किया था, भव्य काशी कितना अच्छा लग रहा है सबको, बहुत सारे फीडबैक भी हमको मिला है कि लोग भी बड़े खुश है। आज हम मेरे सवाल थोड़े से पॉलिटिकल रहेंगे, सभी के लिए रहेंगे कि भाई जब हिंदू इतने खुश है तो हिंदू में से ही कुछ हिंदुओं को तकलीफ है एंड हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी है उनको तो हर बात पे तकलीफ है। तो इसी के साथ मैं शुरू करूंगी आज का। एंड अगेन नमस्कार। एंड पहला क्वेश्चन मैं नीरन दादा से पूछूंगी, गौतम डॉक्टर नीरन आपसे पूछूंगी, ये काशी को लेके इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? देखिए, बड़ी सीधी बात है, पिछले 7 साल से जो एक घटा बन रही है, धुंध छट रही है, लोगों को असलियत दिखाई दे रही है, लोगों के गद्दार चेहरे सामने आ रहे हैं, तो लोगों को एक एक क्या कहना, पागलपन सा है कि कुछ भी करो। जो ये सरकार कर रही है, जो सेंटर की सरकार कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं, वो सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। और वो जो अभी तक अलापते आए थे सालों साल से, अगर आप आजादी से शुरू करें 1947 से, पूरे 7 टर्म्स कांग्रेस ने काम किया। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत पुराना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ 62 में मेरे पिताजी पोस्टेड थे बनारस में, मेडिकल ऑफिसर थे वो, और हम लोग लहुरा वीर में रहते थे। वहां से घाट पहुंचने में इतनी दिक्कतें होती थी, हम लोग तो खैर छोटे थे, ले जाते थे वो, और हाथ पकड़ पकड़ के डुबकी लगवाते थे। कोई मतलब कोई स्टेयर्स नहीं, कुछ नहीं। अब ले लीजिए दूसरा परिवेश, समाजवादी पार्टी, उनको गंगा से कोई मतलब नहीं, उनको तो किससे मतलब है, या आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं बोल भी सकता हूँ, मुझे कोई इसमें डर नहीं है। उनको एक विशिष्ट समुदाय से ज्यादा लगाव है तो शायद उन्हीं की बातें करते हैं। कांग्रेस से तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं। जो सरकार 9 साल रहने के बाद, आजादी के बाद घाट तक नहीं बनवा पाए, तो उनके लिए बोलने के लिए रखा क्या है? मंदिर, ऐसा सकुचा मंदिर, मंदिर की गलियों में गाय भैंस भैल सब, हमारे तो वो आदर्श हैं, लेकिन हम उनको ठोक के तोड़ के डंडों से बजा के तो हम मंदिर नहीं जाएंगे ना भाई। नंदी तो है हमारे लिए सारे जितने भी हैं बैल, और उन्हीं को मार के हम शिव जी की दर्शन करने जाएं, तो ये तो हमारी सभ्यता में नहीं है, ना हमारे संस्कार में है, ना हमारे सनातन में है। एक बार के लिए कम्युनिस्ट सरकार भी आई थी, उसने तो और उल्टा सीधा कर दिया, रास्ता ही बंद कर दिया था, मंदिर में विजिट तक बंद हो गई थी, पुजारी तक हटा दिए गए थे जी। उसके बाद फिर कुछ समय कांग्रेस फिर रही, ये मैं विभूति नारायण सिंह के टाइम से बता रहा हूँ, जब से राजा साहब ने इस शहर का नींव रखी थी। उसके बाद में फिर कांग्रेस आई, तब मुरली मनोहर जोशी जी आए 91 में, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन बस आपने जो एक वर्ड यूज किया ना, लोग पॉलिटिशियन ज्यादा हैं, भक्त कम है। तिलक लगा के कोई भक्त नहीं बन जाता है, चाहे एक तिलक लगा लीजिए, दो तिलक लगा लीजिए, चंदन का सिंदूर लगा लीजिए, रोली का तिलक लगा लीजिए, उससे भक्त और भावना नहीं आती है। भक्ति और भावना तो आपके अपने संस्कार में निहित है। अच्छा, उसके बाद से आप लगातार देख लीजिए 9 टर्म्स भाजपा के आए हैं, और वहीं से बनारस का सही उत्थान शुरू हुआ है। पॉलिटिकल विल ही नहीं है किसी के पास, तो क्या डेवलप करेंगे बनारस का? और बनारस तो एक समझिए खंडहर बना दिया था पूरा, जो सनातन का जो एक क्या कहना चाहिए आइडेंटिटी थी पूरा, तो उसके ऊपर मस्जिद थे, मदरसे थे, मजार थी, पता नहीं थी भी कि नहीं थी, पूरा ही उसका रंग भगवा से हरा कर रखा था। ये तो हमारा, हमारी और आपकी, पूरे भारत देश की, बल्कि विश्व की एक बहुत बड़ी समझिए फॉर्चुनेट है कि मोदी जी आए और मोदी जी ने इसका विस्तार से हर तरफ से सफाया शुरू किया। आपने खुद ही देखा होगा कितने लोग कह रहे हैं 63 घर तोड़ दिए। अरे 63 घर तोड़े, देखो तो उस 63 घरों के पीछे और नीचे क्या है,
स्तंभ हैं उस जमाने के, और हर स्तंभ में आप आकृतियां देख लीजिए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मैं तो बहुत ही खुश हूं कि इस तरह से, जिस तरह से एक कॉरिडोर बना दिया, हर आदमी अब जा सकता है पूरे। हेलो नीरंदा एड्रेस, हाँ हाँ राइट, अब बोलिए। पूरे पूरे विश्व में आज बनारस एक चर्चा है, पहले भी थी। पहले लोग परेशान होते थे, गंदी गंदी फोटो भेजते थे विदेशों में, मीडिया में आती थी, अब आज देख लीजिए कौन सी फोटो आएंगी जी। तो ये पॉलिटिकल विल है मोदी जी का कि आज उन्होंने पूरे बनारस को शुद्ध कर दिया है, गंगा से शुद्ध कर दिया और खुद को भी शुद्ध कर लिया। देखिए कितने ठंडे पानी में वो लिपि लगा रहे हैं, कितना अच्छा और कितना मार्मिक दर्शन है वो। अंकल जी मुझे आपसे एक चीज पूछना है, काशी, काशी को बोला जाता है कि सबसे पुराना शहर है, पूरे दुनिया का सबसे पुराना शहर है, तो इसका मतलब अस्तित्व कब से, मतलब इट इज नोन हिस्ट्री अबाउट काशी? हाँ नहीं, सबसे पुराना तो नहीं कह सकते, जो हमारी हिस्ट्री में पुराने शहरों के नाम आते हैं ना, 6-7 में गिनाऊंगा। सबसे पहला तो अयोध्या, जो कि मनु ने स्थापित किया था। उसके बाद आता है ये जो, जिसको बाद में कुशस्थली, जिसको बाद में इन्होंने कृष्ण जी ने वो बनाया, द्वारका बनाया, वो कुशस्थली उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद फिर चौथे नंबर पर काशी का नाम आता है। ये मनु की 7वें वंशज ने, जिनका नाम के काशी था, उन्होंने स्थापित किया था इसको। तो मेरे डेटिंग के मुताबिक ये कोई 8,800 BC में स्थापित हुआ था काशी नगर, तो आज से 10,800 वर्ष पहले। तो ये सबसे पुराने शहरों में से चौथे नंबर पर आता है जो हमारी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। तो जो तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर ये प्रतिष्ठानपुर था, जो कि प्रोबेबली महाराष्ट्र में है, जिसका के राज्य इला को दिया गया था इक्ष्वाकु की बहन को, तो ये चौथे स्थान पर आता है। इसके बाद आता है कंधार 5वें स्थान पर। कंधार को भी चंद्रवंशी राजा ने स्थापित किया था, तो वो इसके बाद 5वें नंबर पर आता है। उसके बाद आता है साहंजनी साउथ इंडिया में, उसके बाद महिष्मती। ये 7 नाम जो है ना, पहले 7 नगरों में से ये 7 नाम आते हैं। कोई 9,300 BC में अयोध्या बनी, उसके बाद प्रतिष्ठानपुर कुछ सालों बाद, और उसके बाद ये अपना कुशस्थली, जो कि बाद में द्वारका जिसका नाम रखा गया रेनोवेट करके, उसके बाद फिर काशी। जो काशी का ये भी महत्व है कि जो काशी राज के पुत्र थे, उनके जो प्रपौत्र थे वो धन्वंतरी वैद्य थे, तो धन्वंतरी भी मोस्ट प्रोबेबली काशी में ही उनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि काशी राज के ही प्रपौत्र थे वो। तो वो जो सबसे पहले वैद्य कह लो संसार के, धन्वंतरी ऋषि, वो राजर्षि थे, तो वो भी काशी में ही पैदा हुए थे। तो काशी का इस तरह से बहुत महत्व है कि चाहे वो सबसे पुराना शहर ना कह लो, पर सबसे पुराने नगरों में से एक है। और जो काशी का जो शिवलिंग है ज्योतिर्मठ, तो वो ज्योतिर्लिंग जो काशी का है वो सबसे पुराने ज्योतिर्लिंगों में आएगा, क्योंकि कोई हमने अयोध्या में या कुशस्थली में या प्रतिष्ठानपुर में कोई ज्योतिर्लिंग स्थापित होने का वो नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में ये नहीं आते। तो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग जो है वो काशी का ही है, तो ये भी उसका एक महत्व है। तो ये काशी की हिस्ट्री में भी
एक समय आया था जबकि इसको कुछ आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और प्रोबेबली 1000 वर्ष तक ये रेनोवेट नहीं हुआ था। तो 1000 वर्ष बाद फिर ये रेनोवेट होके अपने काशी और वाराणसी के रूप में आया। तो ये इस तरह से काशी का बहुत महत्व है। तो जब हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा जाता है वो तो सरकार ले लेती है, गवर्नमेंट ले लेती है, एक एक्ट बना के जैसे भी किया। तो जो मस्जिदों में चढ़ावा होता है वो सरकार नहीं लेती, रादर मस्जिदों को तो ग्रांट दी जाती है। तो जो हिंदुओं के पैसे चढ़ाए हुए हैं वो मस्जिदों में सरकार दे देती है। तो इंस्टेड ऑफ दैट जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है उससे जो मंदिरों का उद्धार किया जाए जैसे मोदी जी ने किया वो तो ठीक बात है, नहीं तो अदरवाइज तो वो जजिया से कम तो नहीं है जो हिंदुओं से धन इकट्ठा करके मस्जिदों को जो कि जिहाद का प्रचार करती हैं जहां होता है तो उनको ग्रांट दी जाती है, तो वो जजिया से कम तो नहीं हुआ। तो ये जो पुरानी सरकारें थी औरंगजेबी सरकारें थी आजमुग से, तो उसमें एक बदलाव आया है। ये बदलाव जो है इसको कोई जल्दी से नष्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी सरकार आ जाए वो इस बदलाव पर कुठाराघात नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा करने से तो जनता उठ खड़ी होगी उनके विरोध में। बिल्कुल। तो ये जो बदलाव लाए हैं मोदी जी और योगी जी ये एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है भारत के लिए और हिंदुत्व के लिए और संसार के लिए भी कह लो, विश्व के लिए भी, क्योंकि विश्व में जो आतंकवाद फैल रहा है उस पर भी इससे रोक लगेगी। जो अयोध्या का पुनर्निर्माण और काशी का पुनर्निर्माण ये बहुत ही बड़े भव्य स्टेप्स हैं जो कि इस सरकार ने लिए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही बड़े काम किए हैं ये, इनके मुकाबले का एक बस वो 370 हटाना है। हाँ। जो कि कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है, वो तो आई वुड से इन कानूनों से भी बढ़कर है, क्योंकि वहां भी 370 हटाने के बाद काफी मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है। और वहां पर कुछ लोग अब चाहे बहुत से लोग कश्मीरी पंडित वापस नहीं गए पर काफी अब जाने शुरू हो गए हैं, मतलब शुरू तो हुआ कि जो जिनको के बाहर निकाल दिया गया था पीट पीट के मार मार के हत्याएं कर करके उनको वापस 370 हटाने के कारण वो वापस जाके वहां बसने लगे हैं। जम्मू में तो काफी बस गए हैं, कश्मीर में भी कुछ बस गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ही अच्छा आरंभ है। तो सबसे बड़ा स्टेप तो जो मोदी गवर्नमेंट ने लिया वो तो 370 हटाने का था, साथ में 35 से भी हटा दिया। वो तो हम जितना एक्सपेक्ट करते थे उससे भी 50% ज्यादा हुआ है, क्योंकि साथ में जो ये हम इस दुविधा में थे कि जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए गए तो भी नुकसान हो जाएगा, अगर ना किए गए तो भी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि 2 हिस्से कर दिए, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा। ये एक बहुत ही ऐसी सोच थी जिसको हम सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हिस्से भी हो जाएं और नुकसान भी ना हो। बिल्कुल। वो जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे 50% ज्यादा था। जी, तो जी, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके नेक्स्ट जो है अयोध्या और काशी में जो पुनरुद्धार हुआ है ये उसके नेक्स्ट स्टेप हैं, जो कि आई वुड से के ऐसे स्टेप्स हैं जिनको के कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। गीतांजलि जी, मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, मगर आप देखिए जब हज हाउसेस बनते हैं या कोई चर्च बन रहा है, जलंधर में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन
सबसे बड़ा चर्च बनाया जा रहा है, तो मतलब उसपे भी बहुत खर्चा आता है, उसका खर्चा, उस हज हाउसेस के खर्चे, इन सब के बारे में आप कहीं पे नहीं पढ़ोगे। मगर काशी का 400 करोड़ खर्चा करके कितने गरीबों का बेटरमेंट हो जाता था, ये सब बातें करने कौन कर रहे हैं? वो ऐसे लोग कर रहे हैं जो लोग खुद बहुत रईस है, जो अपने घर से एक पैसा गरीबों को देंगे नहीं। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है गीतांजलि जी? छोटी सी बात जो मैं बोलूंगी, जो लोग ऐसी बात करते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं टैक्स पेयर मनी की। तो उनसे पहले तो पूछा जाए, आप अपना टैक्स रिसीट दिखाइए, आपने कितना टैक्स पे किया है। आई एम 100% श्योर नन ऑफ दीज पीपल हु स्पीक दिस वे हैव एवर पेड टैक्सेस इन देयर लाइफ, वेदर दे आर इंटेलेक्चुअल माफिया ऑफ आवर कंट्री और वेदर इट इज द माइनॉरिटीज ऑफ दिस कंट्री हु स्पीक अप। Nobody pays taxes. It's only the Hindu who pays. Hindu जो हमारा जन समाज है उसी में इतनी जागरूकता है कि हम अपना नागरिक धर्म जो है उसका वहन करते हैं और हम अपने taxes भी pay करते हैं और हम अपनी नागरिकता की दूसरे जो कर्तव्य हैं उनको भी निभाते हैं। तो 100% या ये कह लीजिए 99% tax goes comes from the Hindu जन समाज। जब हिंदू जनसमाज से टैक्स आ रहा है और हिंदुओं के ही मंदिरों के ऊपर जा रहा है, अगर उसको भी कहा जाए कि हमारे टैक्स पेयर मनी से ये काम किया गया, तो हम जो हिंदू जनता हैं, हम ही ने वोट देकर मोदी जी को की सरकार बनवाई, इन्हीं कसौटियों पे बनवाई कि हमारे धर्म का पुनरुत्थान हो सके। अयोध्या मंदिर का और काशीनाथ विश्वनाथ का और मथुरा के मंदिर का जो विषय था वो उनके चुनाव का जो एजेंडा रहता है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, और उसके ऊपर अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मतलब दिस इज लाइक कीपिंग देयर होल प्रोमिसेस rather than saying कि क्यों किया जा रहा है। तो ना करते तो वो एक दुविधा का कारण होती। हमने अपना taxpayers ने जो पैसा दिया वो भी हमारा, मंदिर भी हमारे, सरकार भी हम ही ने वोट करके बनाई है। बीच में बोलने वाले वो लोग हैं जो ना तो टैक्स पे करते हैं ना कोई धर्म का, अपने भी धर्म के हिसाब से कोई काम नहीं करते वो। वो केवल देशद्रोह का काम करते हैं, केवल भ्रष्टाचार का काम करते हैं, उनको स्वार्थ के ऊपर कुछ नहीं आता, केवल और केवल स्वार्थ के व्यूह में फंसे हुए लोग हैं कि मेरा बैंक अकाउंट भर जाए, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार सब अच्छे पोस्ट पे लग जाएं, मैं जो अधर्म के काम करना चाहूं, लड़की उठवाना चाहूं, किसी की हत्या करवाना चाहूं, अपने बिजनेस को ही विस्तार दे सकूं, ये सब जो अधर्म के काम है, किसी भी धर्म के हिसाब से ले लीजिए, सब अधर्म के काम है, वो काम करते हैं और फिर वो डोंडी पीटते हैं कि जी जन कल्याण का काम होना चाहिए। और सीधी सी बात है, मंदिर जो है वो जन कल्याण का भी तो साधन है। किस मंदिर में भंडारा नहीं लगता, किस मंदिर में शरण नहीं दी जाती किसी को भी, धर्म पूछ के शरण नहीं देते मंदिर के लोग। एवरीबडी इज वेलकम। आप अगर डेस्टिट्यूट हो, आपके पास रहने को जगह नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, आप मंदिर जाकर वहां शरण ले सकते हो। इसकी कहानी अभी पीछे हमारी एक ओलंपिक की थी, मीरा जी जिन्होंने मेडल जीता था, उनकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि वो जाया करती थी अपने गांव से शहर नॉर्थ ईस्ट में कहीं, और वहां पे उनको रहने को स्थान नहीं था, तो माँ ने ये बोल रखा था कि घर लौटने में अगर देर हो जाए तो पास के मंदिर चले जाना। सो शी यूज्ड टू गो एंड टेक शेल्टर इन द temple at night whenever she got late in her training. तो ये काम आप कहीं कह सकते हो कि कोई कन्या, जवान लड़की, आप कह सकते हो कि किसी चर्च में या किसी मस्जिद में सेफ रहेगी? आज की डेट में हम नहीं कह सकते। दोनों जगह की वीडियोज भी हर कुछ हम देख चुके हैं कि वहां पे क्या हाल होता है। और एक मंदिर में वो जाती रही, रादर उसने बहुत कुछ गेन किया। वो कहती वहां पे जो पुजारी थे वो मुझको भगवत गीता दी उन्होंने पढ़ने के लिए, मुझे कहते थे बेटा मेरे को पढ़ के सुनाओ, और मैंने उससे इतना सब कुछ सीखा। तो ये जो कार्य धर्म का होता है हमारे मंदिरों में, हिंदू बहुत विस्तार वाली एक
टर्म है जिसके अंतर्गत हिंदू के साथ में आर्य समाज के मंदिर, बौद्ध धर्म के मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे सब हिंदू पंथ के ही हैं। और इन सब स्थानों पे अगर हम देखें, हमारे बच्चे भी सेफ हैं, हमारी बेटियां भी सेफ हैं, जाते हैं अगर उन्हें बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से हर जगह रक्षण भी दिया जाता है और शेल्टर भी दिया जाता है, जो भी आप कह सकते हो वो वहां मिलता है। तो जन कल्याण की दृष्टि से भी देखें, मंदिर का निर्माण को आप किसी भी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते। जो कहते हैं वो केवल अधर्मी और भ्रष्टाचारी देशद्रोही लोग हैं, उनकी बातों का क्या सुनना। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोगों को बताती हूँ, अभी नीरन दादा का मैसेज आया था, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको थोड़ा सा कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये थोड़ी देर में शायद ज्वाइन करेंगे अगर अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं अपने श्रोताओं को बोल रही हूँ कि सॉरी, वो अगर ज्वाइन कर सकेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो मैं तो चाहूंगी कि वो ज्वाइन ना करें, क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ठीक हो जाए वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम तो फिर से होता रहता है। अंकल जी, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, जैसे अभी आपने बोला कि मंदिरों में जो डोनेशंस मिलता है वो गवर्नमेंट ले लेता है, अब ये जो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं कि 400 करोड़ रुपए हुआ, तो ये 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने थोड़ी खर्चा किया, ये तो मंदिर में जो डोनेशन आता है वो उसी को खर्चा करके उन्होंने ठीक किया। तो मुझे यही नहीं, मतलब ये कहना है कि जब मंदिर से ही पैसा लेके बाकी के भी काम किया जाता है, तो मंदिर का पैसा मंदिर को ठीक करने के लिए अगर खर्चा किया जाए तो उसमें प्रोटेस्ट क्यों? एक्चुअली एक ग्रीक फिलोसफर हुए प्लाटो, प्लाटो ने ये कहा है कि रॉन्ग व्यूज, रॉन्ग मीनिंग ऑफ वर्ड्स क्रिएट्स सिन इन दिस सोल। तो ये सेकुलर वर्ड एक ऐसा है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है कि अंधविश्वास पर ना चलना, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जिसकी होती है उसको सेकुलर कहा जाता है डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से। जो ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव सेकुलर का मीनिंग है, वो मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट किया गया है। और आजकल के जो सेकुलर लोग अपने आप को सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वो तो ये भी नहीं मानते, वो तो सिर्फ जो एंटी हिंदू है उसको सेकुलर बोलते हैं, और जो प्रो मुस्लिम है उसको सेकुलर बोलते हैं, उसका मीनिंग और भी ज्यादा डिस्टॉर्ट कर लिया गया है। तो इससे आई वुड से उनके आत्मा में पाप क्रिएट होता है, तो वो पापी हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे पापी लोगों की आवाज सुनना या ऐसे पापी लोगों के विचारों को ये कहना कि वो इंटेलेक्चुअल हैं या कुछ हैं, वो भी पाप है। ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल कहना भी पाप है, क्योंकि वो लोग जो हैं बिल्कुल वर्ड्स के मीनिंग को डिस्टॉर्ट करके और ही और उसका कर लेते हैं कि अपने आप को कहते सेकुलर हैं, और वो नारे लगाते हैं कि बाबरी मस्जिद वापस करो। भाई अब राम मंदिर को हटा के फिर वहां आप बाबरी मस्जिद बनाएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे ऐसे नारे लगवाते हैं, जो ऐसी बकवास करते हैं वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर क्या है? वो तो एंटी हिंदू है और कुछ भी नहीं है उनमें। आई वुड से पक्की तरह से एंटी हिंदू है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है, वो एंटी हिंदू ही है और कुछ नहीं है। एक बात बता रही हूँ आपको, अभी कुछ काशी का मंदिर का जब उद्घाटन हुआ उसके बाद एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा था ट्विटर पे, आपने भी शायद देखा होगा, उसमें एक कलकत्ता से आए हुए नमाज पढ़ने के बाद वो बहुत भावुक हो गए और बोले कि काशी मंदिर इतना भव्य हो गया है कि हमारे मस्जिद का तो दिख ही नहीं रहा है, ये क्या चीज हुआ, और वो रोना शुरू हो जाते। अब मुझे एक सवाल पूछना है, बाबरी का ढांचा जब टूटा तो उनको प्रॉब्लम, अब ज्ञानवापी मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाया, अपना मंदिर हमने कर लिया तो भी उनको प्रॉब्लम, तो ऐसे सिचुएशन में हिंदू करे तो क्या करे? इग्नोर करे और क्या करे?
हम 90% जनता हैं देश की, उनको इग्नोर करना है और क्या करना है, उनको जवाब देते जाओ ठीक तरह से, उनके बातों का ठीक तरह से कड़ाकेदार जवाब देते जाओ और उसे इग्नोर करो, क्या कर लेंगे वो, ये भी तो है ना कि जो हमारा जो मीडिया है इसमें कोई मीडिया तो इसी ऐसी लोगों की बातें सुन के निराश होने की कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों की बातें सुन के निराश होने की कोई बात नहीं है, मीडिया का तो, मीडिया भी तो एंटी कंट्री हुआ हुआ है, मतलब देश मीडिया का है। अब तो काफी फर्क पड़ गया है, पहले तो बिल्कुल ही 90% मीडिया एंटी हिंदू था, अब आई वुड से के 50-50% ही है, सारा एंटी हिंदू है अब तो 50-50 के आसपास है, पहले तो मीडिया जो था इतना खराब हो चुका था कि 99% जो एंटी हिंदू था, पर अब पिछले 6-7 साल में बहुत अंतर पड़ गया है, तो उस तरह से एक बार एक झटका और लगा जो हमारी जो 35% वोट है उसकी जगह 40-45% हो जाए, उसके बाद तो इनका कुछ भी नहीं बचेगा, तो थोड़ा सा ही एक झटका और चाहिए, जैसे वो बाबरी मस्जिद का कहते थे ना, एक झटका और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, इसी तरह से वोट्स में भी एक झटका और चाहिए, बस एक झटका और आ गया तो बस ये फिर जो देखते रह जाएंगे क्या हुआ, एक बार एक जो होता है ना क्रिटिकल परसेंटेज वो 40-45% होती है, बस 35% तो अब है ही 30-35%, तो क्रिटिकल 5-10% और हो गई तो ये फिर देखते रह जाएंगे हो क्या गया, तो उसमें यही है कि अपना किसी तरह से अपने सोशल मीडिया के थ्रू या और तरह से या विकास के थ्रू अपनी जो परसेंटेज है थोड़ी सी और इंक्रीज कर लो, बस फिर ठीक है, उसके बाद कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। गीतांजलि जी, एक चीज मुझे जो हमेशा आपको भी परेशान करता होगा, अंकल को भी, आप देखिए अगर हम लोग हिंदू के फॉर्म में बात करते हैं तो दूसरे धर्म के लोग उतना प्रोटेस्ट नहीं करते जितना हिंदू ही करते, और वो अपने आप को ट्रेडिशनल्स बताते हैं, ट्रेड्स जिनको हम बताते हैं। आप एक मजेदार बात है, ये ट्रेड्स जो है ना लिखते इंग्लिश में है, बातें करते इंडिया भारत की बात करते लिखेंगे इंग्लिश में, उनके बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल आई डोंट नो, अब ट्विटर में कौन किसका कैसा लाइफस्टाइल है वो कुछ नहीं पता है, तो मतलब पैसा ही सब कुछ है, आप कितना कितना ढकोसला कर रहे हैं। सारे समाजों में सारे समाजों में होते हैं, दे हैव टू बी टॉलरेटेड, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें निराश होने की कोई आवश्यकता है, ऐसे लोग जो हैं जो अपने ही धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं, सभी धर्म उनका इसमें कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। गीतांजलि जी आप आंसर दे दीजिए। हाँ जी, तो वही जो पिताजी कह रहे हैं कि हर समाज में हर समय में जो इस तरह के लोग रहते हैं जिनको कहा तो बुद्धिजीवी जाता है, इसका हमें उदाहरण एक मिलता है पुराने समय में भी, अगर हम महाभारत की ग्रंथ में देखें तो आई डोंट नो रामायण या महाभारत दोनों में किसी में एक चर्वक ऋषि के नाम से आते हैं जो कि बुद्धिजीवी ही थे, ऋषि थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध जब बोलने लगते हैं अपनी बकबक उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है कि इनको इनकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए क्योंकि ये तो उल्टी बात करते हैं। तो समाज में एक फ्रिंज एलिमेंट रहता है, जैसा भी आपने बताया कि कलकत्ता से दिस मुस्लिम पर्सन केम नमाज पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में, ये मस्जिद आपके लिए औरंगजेबी मस्जिद ही क्यों जरूरी है, आपके पास इतनी सैकड़ों मस्जिद, सैकड़ों क्या लाखों मस्जिद आपने पूरे देश में बना रखी है जो कि हमारा देश है,
आप मक्का मदीना में जाकर नमाज पढ़िए, वहां पे अगर कोई मंदिर बना हो क्या आप चाहेंगे वो आपके मक्का मदीना के मस्जिद से ज्यादा भव्य हो या वो दिखाई दे उस जगह पे? नहीं चाहेंगे ना। अफगानिस्तान में आपका राज्य आया, आपने हमारे मंदिरों को, हमारे सिख भाई अभी गुरुद्वारे जिनके नष्ट कर दिए गए, वो गुरु ग्रंथ साहब जी को सर पे उठाकर वहां से भारत आए हैं, किसने उन्हें रक्षण दिया? हमारे हमारे देश ने ही दिया ना। तो ये आपके देश में और कोई नहीं सरवाइव कर सकता, हमारे देश में भी भव्यता आप ही की चाहिए। ये तो मतलब यही हो गया ना कि मैं सब स्थान पर, जहां 10% हूँ वहां भी मैं, जहां 100% हूँ वहां भी मैं, आपका कोई अस्तित्व ना हो। ये उनकी जो सोच है उसी में गड़बड़ है ना। और हम क्यों ध्यान देते हैं उनकी तरफ? हजार सालों से हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, एक मुसलमान रोया तो मीडिया में खबर, बेचारा मुसलमान रो रहा है उसका मस्जिद नहीं दिख रहा। करोड़ों हिंदू 1000 साल से रो रहे हैं, उनके मंदिरों का विनाश किया गया, उनकी न्यूज कहाँ है? लाखों हिंदुओं को कश्मीर में बेघर कर दिया गया, मोदी सरकार आई है तो फिल्में बन रही हैं, शिकारा बनी, ठीक है जैसी भी बनी, बनी तो। अब विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स बनाई, अभी बनी ना। कश्मीरी हिंदुओं का दुख दर्द समझने का समय इस सरकार ने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। पिछली सरकारों ने तो यही कह दिया था कि ये कश्मीर में तो माइनॉरिटी है, हिंदू तो निकाल दिया गया तो कोई बात नहीं, शरणार्थी बनकर रहो जहां जाओ। उनको भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई, उनके दर्द की, उनका जो कष्ट उन्हें दिया गया उसकी कोई महत्व नहीं रहा मीडिया में। एक मुसलमान रो दिया कलकत्ता से आके तो वो महत्व हो गया। ये कैसा मतलब, इसको तो वही बोलेंगे ना कि इधर की थाप अलग पड़ रही है ढोलक पे, उधर की थाप अलग पड़ रही है, एक ही तरफ की थाप है, दूसरी की तो सुननी ही नहीं। तो क्या किया जाए ऐसे मीडिया का, उसको तो इग्नोर ही करेंगे। सच बात है। मतलब मैं अपने श्रोताओं को बोलना चाहती हूँ कि देखिए अंकल जी इज क्वाइट एजेड, उसके बाद भी उनके अंदर भी एक देर इज एन एनर्जी, एनर्जाइज हो गए हैं सारे हिंदूज, एनर्जाइज हो गए हैं। मगर हम फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग ये तो नहीं बोलते ना कि हमारा अगर सब कुछ हो रहा है तो हम सबका बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम इतने सालों से सब कुछ सहन करके अगर हम लोग अपना रिक्लेम कर रहे हैं एंड अपने ही मतलब मंदिरों को सुंदर बना रहे हैं तो उसमें किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। एंड पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस तो करते रहेंगे। मेरा कहना है जो आम जनता है चाहे वो कोई भी धर्म फॉलो कर रहे हैं, वी कैन पीसफुली को एग्जिस्ट। द ओनली थिंग इज बहुत बड़ा इश्यू मत बनाइए जब कोई हिंदुओं का कोई बात हो जाता है, उसमें फीलिंग्स खराब होती है, उसमें इलविल आती है, उसमें एक दूसरे के ऊपर शक होता है और उसी से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। तो यही कह के मैं आज खत्म करूंगी। नमस्कार, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गीतांजलि जी, एंड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।